पर सार्प फिटनेस जिम का कमाल देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये डोला और ये कट देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा बैक दिखाइए, देखिए ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के सारे आदमी को मैं फिट रखूंगा और जो बॉडी बनाने में इंटरेस्टेड है उसको अच्छा से अच्छे लेवल का बॉडी बिल्डर बनाऊंगा। दिल्ली बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ 2021 में, जिसमें मेरा थर्ड रैंक आया था। आज इनका तीन ब्रांच हो गया सार फिटनेस का, और इनकी मोटिव है कि और भी ब्रांच डाला जाए और जो नए बच्चे उनको एक सही दिशा दिया जाए। ढाका को सब लोग आगे बढ़ाएंगे और यहाँ सब जितने भी लड़के हैं अब सब इस तरह के बॉडी बनाएंगे। बहुत खुशी की बात, हम लोग बहुत पहले से जिम कर रहे हैं, दिल्ली में किया, ढाका में इनके राहुल भाई के अंदर जो ने जिम किया, एक और कुछ दिन पहले खुला था वो भी बंद हो गया। अगर आप खुद को समर्पित हमारे लिए नहीं करेंगे तो हम आपको प्रशिक्षण अच्छे से नहीं दे पाएंगे। स्पोर्ट्समैन को काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि खेल के साथ साथ फिटनेस भी होना चाहिए। फिट और दुरुस्त रहने के लिए बहुत अच्छा पहल है। घोड़ासन में हम ट्रेनिंग दिए हैं और नेपाल मौलापुर में भी दिए हैं, अच्छा रिजल्ट आया है। अब आए हैं यहाँ पे ढाका में, कोई यहाँ सख्त जरूरत था जिससे कि ट्रेनर नहीं था पहले, लेकिन अब ट्रेनर आ चुका है, अब हम लोग को भी मन लगेगा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूँ समीउल्ला चंपाड़नी। अभी हम ढाका में हैं और यहाँ पर देखिए सार्प फिटनेस जिम का उद्घाटन किया गया है। अब ये जिम वाले लोग ढाका को बॉडी बिल्डर बनाने के लिए ठान चुके हैं, यहाँ के लोग बॉडी बिल्डर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऊपर, पहले दिखाइए बोर्ड को, देखिए सार्प फिटनेस जिम यहाँ पर खोला गया है। एक बड़ा सा एक आकर्षक लोगो भी दिखाई दे रहा है, ये सार्प का, सार्प फिटनेस जिम। अब ढाका वासियों के लिए, अब ढाका वासियों के लिए एक खुशखबरी है कि अब उनको जिम करने के लिए, फिटनेस बनाने के लिए, वो डोले शोले बनाने के लिए जो है अब क्या करना होगा, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब ढाका में ही सारी सेवाएं ले सकते हैं। देखिए ये जिम के ओनर हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं पहले। पहले इनका बॉडी दिखा दिए, देखिए देख के हमको भी डर लग रहा है। इनका जो डोला देखिए, अब यही डोला बनाने के लिए ढाका वासियों में भी ये ठान चुके हैं कि यही डोला अब ढाका के एक एक युवाओं को मिलेगा, ढाका के एक एक लोगों को ये जो है ना फाइटर बनाने की सोच रहे हैं, स्वस्थ बनाने की सोच रहे हैं। पहले इनसे हम बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित रजक हुआ। रोहित रजक जी, कहाँ से हैं आप? घोड़ा सहन। रोहित जी बताइए, ढाका को फिटनेस देने के लिए सोच चुके हैं आप? बिल्कुल, वैसे भी मैं पहले से घोड़ासन में मेरा जिम है, नेपाल में भी जिम है, और तीसरा ब्रांच मैं ढाका में खोल रहा हूँ, आज मेरा उद्घाटन है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के सारे आदमी को मैं फिट रखूँगा और जो बॉडी बनाने में इंटरेस्टेड है उसको अच्छा से अच्छे लेवल का बॉडी बिल्डर बनाऊँगा। और मेरा लगभग 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली में मिस्टर दिल्ली बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ 2021 में, जिसमें मेरा थर्ड रैंक आया था, और फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मार्च अप्रैल में गेम खेलने वाला हूँ। क्या क्या सुविधाएं मिलेगा यहाँ पर लड़कों को? सुविधाएं तो बहुत है, जैसे यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग हो गए, प्रोटीन क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डाइट प्लान सारे यहाँ पे बताए जाएंगे, अच्छे से अच्छे ट्रेनर भी है यहाँ पे, और पूरी प्रयास रहेंगे कि सारे लोग को फिट करने के और अच्छे से अच्छी बॉडी बनाने के। अच्छा, ये सुविधा सिर्फ लड़कों के लिए है कि लड़कियों के लिए? क्योंकि आज तक लड़कियाँ भी इस क्षेत्र में काफ़ी उत्सुकता दिखा रही हैं, उनको भी अपनी बचाव के लिए अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ता है, ये फिटनेस जिम आपका लड़कियों के लिए भी सुविधा दे रहा है? जी जी बिल्कुल, लड़का और लड़की दोनों के लिए है, टाइमिंग अलग है, 5 से 9 लड़कों के लिए है और 9 बजे के बाद लड़कियों के टाइम है। ये बताइए, कराटा का भी यहाँ पर सुविधा है, जो आजकल लड़के लड़कियाँ भी इस क्षेत्र में काफ़ी आगे आ रही है अपनी बचाव के लिए? मार्च से यहाँ पे कराटा का भी क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए रहेंगे। देखिए एक मोतिहारी चैंपियन भी आ गया, थोड़ा सा दिखाई दो डोला। अब हम लोग तो रिटायर हो गए हैं और नए नए बच्चे लोग के लिए अभी हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं, कि जैसे रोहित जी है बहुत अच्छा काम किए हैं, कि आज इनका 3 ब्रांच हो गया सार फिटनेस का, और इनकी मोटिव है कि और भी ब्रांच डाला जाए और जो नए बच्चे उनको एक सही दिशा दिया जाए फिटनेस की तरफ, कि गलत नशा की तरफ ना जाए वो लोग, और बल्कि एक अच्छा फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करे और फिट रहे। आपने कहाँ सीखा इतना डोला सोला? नहीं, मैं तो अपने मेरे गुरु जी हैं मिस्टर राजू खान, और मैं दिल्ली रहा हूँ, हैदराबाद भी रहा हूँ, वहाँ पे वहीं से सीखे, फिर उसके बाद से कुछ यहाँ आने के बाद आदमी इसी लाइन में लग गया, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और प्लस जिम की सारी मशीनरी वगैरह का अपना खुद का है, तो यहाँ देखा गया कि बहुत सारे बच्चे लोगों के अंदर वो मालूमात नहीं है कि भाई हमें फिट रहने के लिए क्या, यहाँ देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं स्माइक पी रहे हैं, गाज़ा पी रहे हैं। अब उस चीज़ को देखते हुए हमने एक ये कॉम्पिटिशन बॉडी बिल्डिंग कराना, हर जगह जिम खोलना, और जिम खोल के बच्चों को उसे मोटिवेट करना कि भाई आप आओ और फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी। चौधरी जी बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, आप भी डोला शोला में नज़र आ रहे हैं, आप भी इसी फील्ड से हैं। क्योंकि मेरा शुरू से पेशा जो है रनर का रहा है, मैं यहाँ बहुत बड़ा धावक के रूप में रहा हूँ। उसी तरह से पहले तो ये जिम वगैरह था नहीं, टीवी वगैरह में लोग देखता था, देखने को मिलता नहीं था। लेकिन जब हम बाहर गए उसके बाद लगा कि नहीं, जिम नाम का चीज़ होता है। और बाद में पढ़ाई लिखाई करके यहाँ आके बिजनेस जब सेट किया तो मुझे ढाका ही रहना पड़ा। फिर मैं देखा कि अब तो वो समय आ गया है कि एक जगह बैठ के खुद को भी फिट फाट रखा जाए और पूरे ढाका को भी फिट फाट रखा जाए। तो हमने जिम का शुरुआत सूर्या मल्टी जिम के द्वारा किया, लेकिन हमारे पास इसका अनुभव नहीं था, किराया कैसे जाए या नया लड़का नहीं मिला। देखे कि इन लोगों का दो वहां पर चल रहा है, घोड़ासान और एक नेपाल में चल रहा है, तो इन लोगों के पास अनुभव अच्छा है, तो इन लोगों को बुलाकर और लाकर अपना जिम इन लोगों के सुपुर्द कर दिया, जो इन्होंने शार्प फिटनेस जिम के द्वारा सर्विस शुरू किए हैं। और हमारी जो अपनी मानसा थी जो पूरा हुई, क्योंकि हम तो बिजनेस में जा चुके हैं, यहाँ ढाका को सब लोग आगे बढ़ाएंगे और यहाँ सब जितने भी लड़के हैं अब सब इस तरह के बॉडी बनाएंगे। और हमें ये खुशी मिलेगी कि ढाका का सारा लड़का नवयुवक जब इस तरह से बॉडी बनाएगा, स्वस्थ ढाका होगा। और यही हमारी ढाका के लिए कामना है, शुभकामनाएँ हैं और सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए इसमें। तो देख सकते हैं रोहित रजक, ये ऑनर है इस जिम के, और इनका तीन ब्रांच, तीसरा ब्रांच हुआ आपका, दो ब्रांच इनका ऑलरेडी काम कर रहा है और ये तीसरा ब्रांच इन्होंने ओपनिंग किया, उद्घाटन किया इस ढाका में। और देख सकते हैं इनके द्वारा तैयार किया हुआ एक प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है। क्या नाम है आपका? इरफान अंसारी। इरफान अंसारी, कितने दिनों में बना है ये आपका डोला और चेस्ट वगैरह का कटिंग? दो अढ़ाई साल लगे। जरा सा दिखाइए कैसा है आपका डोला और चेस्ट। टी शर्ट खोलिए, टी शर्ट खोलकर दिखाइए यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर सार फिटनेस जिम का उद्घाटन हुआ है, ये रोहित रजक के द्वारा तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सार फिटनेस जिम का कमाल देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये डोला और ये कट देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बैक दिखाइए, देखिए ये है फिटनेस का कमाल। ये देखिए यहाँ पर सार फिटनेस जिम का कमाल है, जो यहाँ के ऑनर जो है इनके द्वारा तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। इरफान अंसारी है, वो डाइट्स वगैरह का क्या कुछ रहता है, इस पर किस तरह से परहेज करना है या क्या कुछ खाना होता है? डाइट पर बहुत फोकस करना होता है और जंक फूड फास्ट फूड सब पर कंट्रोल करना होता है। अब ढाका के लोगों को भी ये बॉडी मिल जाएगा ना? जी जरूर, गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान साहब, क्या कुछ कहेंगे आज सार फिटनेस जिम का उद्घाटन हो गया है, ढाका के लिए एक बेहतर पहल, ढाका के लिए बेहतरीन कोशिश? ये बहुत बहुत बढ़िया हुआ है, हम लोगों को बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार था कि हम लोग भी जिम करें जो है ना। यहाँ पे बहुत सारे जिम, जैसा कि राहुल भाई ने बताया कि इन्होंने खोला था, हम लोगों ने बहुत जो है इसमें मेहनत किया हुआ है पहले से भी, और इन्होंने कारण बताया कि जिस कारण हमने बंद करना पड़ा, फिर हम बच्चों को लाए यहाँ पर जो है फिर से जो है स्टार्ट किया, और बहुत खुशी हुई। और बहुत खुशी की बात, हम लोग बहुत पहले से जिम कर रहे हैं, दिल्ली में किया, ढाका में इनके राहुल भाई के अंदर जो है जिम किया, एक और कुछ दिन पहले खुला था वो भी बंद हो गया, उसमें भी किया हुआ था, लेकिन उसका हमने बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। तो हमारे रोहित रजक भाई जो है ना और सचिन भाई हमारे हम लोग करीबी हैं, उन्होंने जब हम लोग को अप्रोच किया कि भाई हम लोग जिम खोलना चाह रहे हैं ढाका में, आप क्या कहना चाहें, हमने कहा कि भाई हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी आइए खोलिए, ताकि हम लोग भी जो है स्टार्ट करें, क्योंकि युवाओं में बहुत ज़रूरी है। दौलत इंसान का सबसे बड़ा जो है ना सेहत है, सेहत आपका मजबूत रहेगा तो हर चीज़ मजबूत रहेगा। यहाँ पर इस जिम के एक और पार्टनर मेरे साथ जुड़ गए हैं, लुक पहले दिखा दीजिए इनका, देखिए आकर्षक लुक में नज़र आ रहे हैं, बॉडी भी भरपूर है। अब यही चीज जो है, यही लुक अब देने जा रहे हैं ढाका वासियों के लिए, कैसा लग रहा है? आज तीसरा उद्घाटन हुआ आपके इस पार्टिसिपेशन का। सभी ढाका वासियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये हमारा तीसरा जिम है यहाँ ढाका में, और यहाँ आने का मकसद ही है कि राहुल भैया बुलाए हैं और इनके और यहाँ ढाका के सारे उम्मीद पे हम खड़ा उतरेंगे। जब रोहित और सचिन एंड रोहित पार्टनर जब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे रिजल्ट जरूर लेके आते हैं। हमारा फर्स्ट ब्रांच घोड़ासहन मौलापुर, अब तीसरा ब्रांच यहाँ है। अब आप लोग का सहयोग रहे तो हम लोग आगे भी जाएंगे, और आप लोग को स्वस्थ बनाने के लिए, कोरोना जैसे महामारी से दूर भगाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, और ढाका वासियों के उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे और सबको रिजल्ट मिलेगा, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। कितना दिन में ये रिजल्ट नज़र आने लगता है बॉडी में? रिजल्ट का बात किया जाए तो सबसे पहला शब्द होता है डेडिकेशन। अगर आपका डेडिकेशन बेस्ट हो, हमारे जिम का लोगो ही है योर डेडिकेशन
आवर ट्रेनिंग, मतलब आपका समर्पण होगा हमारा प्रशिक्षण होगा। अगर आप खुद को समर्पित हमारे लिए नहीं करेंगे तो हम आपको प्रशिक्षण अच्छे से नहीं दे पाएंगे। अगर आपका फूडिंग, आपका ट्रेनिंग, आप डिसिप्लिन में हैं, आपको रिजल्ट विद इन सिक्स मंथ मिलेगा। आपको बस डिसिप्लिन में रहना है। जैसे डीएसपी एसपी किसी भी पोस्ट के लिए अच्छा स्टडी चाहिए, वैसे अच्छा स्वास्थ्य के लिए आपको एक घंटा सुबह में या कभी भी आपको समय निकालना ही होगा, सुबह या शाम। तो उसके लिए आप अपने पूरे जीवन काल के लिए हर चीज़ के लिए समय देते हैं, लेकिन आप अपने शरीर के लिए नहीं दे पाते हैं। और रिजल्ट का गारंटी है अगर आप डेडिकेटेड हैं। हम फिर से कहना चाहेंगे राहुल भैया को स्पेशल थैंक्स है, इन्हीं के बदौलत हम यहाँ आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रिकेटर भी आ गए हैं इस उद्घाटन में। क्या कहेंगे, इसकी ज़रूरत कितना महसूस कर रहे थे ढाका में? स्पोर्ट्समैन को काफ़ी ज़रूरत थी इस चीज़ की, क्योंकि खेल के साथ साथ फिटनेस भी होना चाहिए, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं शुक्रगुजार हूँ राहुल भाई का और यहाँ के हमारे रोहित भाई, सचिन भाई, जिन्होंने यहाँ अपना घोड़ासन से ब्रांच यहाँ पर उठा के लिया के खोले। और हम लोग को काफ़ी इससे बेनिफिट है, इसलिए बेनिफिट है कि स्पोर्ट्समैन यहाँ के जिम नहीं होने के कारण कोई पचपकड़ी जा रहा था तो कोई शिकारगंज जा रहा था, तो अब शिकारगंज, पचपकड़ी और भी यहाँ से मोतिहारी हो या बैरगनिया हो जाने की ज़रूरत नहीं है, कि अब यहीं पे ढाका में एक बेहतरीन जिम का उद्घाटन हुआ है, जो बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, विजय क्रिकेट क्लब के कैप्टन साहब है, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद सिराज अनवर। सिराज अनवर साहब, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पहल राहुल जी के द्वारा ढाका में किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे युवाओं को एक नया जोश मिलेगा और फिट और दुरुस्त रहने के लिए बहुत अच्छा पहल है। इसके लिए राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग का मानना यह है कि जिम करने के बाद, छोड़ देने पर बॉडी इधर उधर हो जाता है, या किस उम्र तक जिम किया जा सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? में एक और क्वेश्चन हमेशा बना हुआ रहता है, किस उम्र में जिम करना चाहिए। बहुत लोग को होता है जिम करने के बाद बॉडी खराब हो जाती है, तो मेरा कहना यह है कि किसी भी उम्र में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सार फिटनेस जिम के ट्रेनर है, देख सकते हैं इनका भी थोड़ा डोला वाला दिखा दीजिए, कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा नज़दीक आइए। देखिए, ये ट्रेनर है तो जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से अनुभव प्राप्त है, सीख चुके हैं, सीख करके आए हैं। किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों को? यहाँ पे तो घोड़ासन में हम ट्रेनिंग दिए हैं और नेपाल मौलापुर में भी दिए हैं, अच्छा रिजल्ट आया है। अब आए हैं यहाँ पे ढाका में, अब देखिए यहाँ पे भी अच्छा, मेरा उम्मीद रहेगा सबसे अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग हो और सबसे अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो, बस मेरा यही अनुमान है। जिम खाने के उद्घाटन में झुआ राम पंचायत के मुखिया जी आ गए हैं, विजय राज शाह, देख सकते हैं यहाँ बॉडी इनका भी नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये बाहर आ गया है। लेकिन अब जिम खाना के उद्घाटन में आ गए हैं, तो अब ये बाहर आएगा और ये अंदर हो जाएगा, लग रहा है ऐसा आपको? हम 6 महीने से कर भी रहे हैं, हमको यहाँ सख्त जरूरत था, जैसे कि ट्रेनर नहीं था पहले, लेकिन अब ट्रेनर आ चुका है, अब हम लोग को भी मन लगेगा कि चलिए भाई ट्रेनर के हिसाब से करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग भी फिटनेस में आए, हमारा यही शुभकामनाएं है सबके साथ में। तो देख सकते हैं यहाँ पर सार फिटनेस जिम का उद्घाटन हुआ है और ये तीसरा ब्रांच है। ढाका वालों के लिए एक सौगात है, जो इसी काम को करने के लिए, इसी जिम को करने के लिए ये लोग पचपकड़ी जाते थे, शिकारगंज जाते थे, लेकिन ये फैसिलिटीज अब ढाका में आ गई है, अब यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अनुभव प्राप्त ट्रेनर लोग हैं यहाँ पर जो अनुभव रखते हैं इस फील्ड के, तो काफ़ी सहूलत मिलेगी ढाका वासियों को डोले शोले बनाने के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी मदद मिलेगा। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो एसटीवी न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।